नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भर्ती जो नेक्स्ट मंथ में आने वाली है, इसके लिए जो डिप्लोमा चाहिए उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन भर सकता है, कौन सी कॉलेज करवाती है, जोधपुर में कहाँ कहाँ सेंटर है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अब आपको ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भर्ती, जिसमें 12th पास योग्यता चाहिए, 10th और 12th के अकॉर्डिंग ये कोर्स होगा। ये अपने को जोधपुर में दो कॉलेजें करवाती है, एक तो NIOS बोर्ड, एक इग्नू। इग्नू बोर्ड का मैं आज आपको पूरा डिटेल्स में इस कोर्स का विस्तार से बताना चाहूंगा कि इग्नू कोर्स में आप ECCE का आज ही फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अंतिम दिनांक 31 जुलाई रखी गई है। इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये डिप्लोमा है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको कोई कॉलेज नहीं जाना है। दूसरा, ये सिर्फ 1 साल के लिए ही है, 1 साल के लिए कोर्स है, जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और तमिल तीनों भाषाओं में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। योग्यता, इस कोर्स को करने के लिए योग्यता आपके पास 12th पास होना अनिवार्य है। 12th पास बंदा इस कोर्स को कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर, इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ 3,000 रुपये फुल प्रोग्राम की फीस, बाकी 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 200 रुपये ऑनलाइन फीस, टोटल 3,500 रुपये में ये आप कोर्स कर सकते हो। अब रही बात जोधपुर में सेंटर की, अपने जोधपुर में सेंटर, अपने जोधपुर में ये सेंटर, ये तो ये है महाविद्यालय, दूसरा विजयस में है, तीसरा ओंकार मल सोमानी कॉलेज में है और चौथा आप महिला पीजी भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है, कोई भी एक आप महिला पीजी सेलेक्ट करो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद में अगर आप महिला पीजी सेलेक्ट नहीं करके जीडी मेमोरियल ले लो, बीजेएस वाला ले लो या ओकारमल सोमानी कॉलेज ले लो, ये कॉलेज सेलेक्ट कर दो, बुक्स आपके घर पे आएगी, इसकी बुक्स जो किताबें हैं वो आपके घर पे आएगी। इसके लिए सिलेबस, कोर्स डिटेल्स में ये सिलेबस है, इसके लिए ये सिलेबस है जो क्रेडिट 32 का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट आपको पास करने अनिवार्य हैं। पास करते ही आपके पास डिग्री आ जाएगी और उसके बाद में आप ECCE की भर्ती के लिए लायक हो जाओगे। भर्ती में कोर्स पास होना अनिवार्य नहीं है, अपीयर का भी फॉर्म भर सकते हैं। जो अभी आपने कोर्स में एडमिशन लेके उस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो, भर्ती कंप्लीट हो तब तक आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।